समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। इसी प्रकार हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ज़रूरी और आवश्यक कदम था जिसको कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है। जो तबका हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा उसको एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक पार्टिसिपेशन देने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, अजय माकन जी का, अशोक गहलोत जी का, डोटासरा जी का, कि सब लोगों ने, सब नेताओं से चर्चा करी है और इतना बड़ा जो फेरबदल हुआ है ये बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखकर किया गया है। सब नेताओं से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, अजय माकन जी खुद यहाँ पर आए थे, एक एक विधायक से खुद बात करी थी, नेताओं से बात करी, प्रदेश कांग्रेस के जो पदाधिकारी उनसे बात करी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनसे बात करी, और राजस्थान की राजनीति में जो जो इंटरेस्ट रखते हैं उन सब लोगों से, वर्गों से, तबकों से बात करने के बाद एक बहुत व्यापक, बहुत सटीक और बहुत सोच समझ कर ये निर्णय AICC ने उठाया है, जिसका आज 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। और मैं देखता हूँ कि अनेकों बार इस बात को कहा जाता है, आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था कि इस गुट का 2, इस गुट का 5, उस गुट का 15। 2018 के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने, उस समय मैं अध्यक्ष था और हम सब ने मिलकर टिकट वितरण किया, हम सब ने मिलकर चुनाव लड़ा, एक दूसरे की मदद करी और हम 20-21 की संख्या से हाफ ए मार्क पर पहुँचे और 100 का आंकड़ा हम लोगों ने हासिल किया, सरकार हमारी बनी। तो मैं समझता हूँ कि ये बार बार इस बात को उठाना, मीडिया में ना जाने कौन इस बात को समझाता है, कौन इसको रेखांकित करता है, पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार हम लोगों ने पूरे देश में उपचुनाव जीते हैं, भाजपा को हराया है, क्योंकि राजस्थान में मुख्य मुकाबला हमारा भाजपा से रहता है, अभी उपचुनाव में भी बहुत बुरी तरह राजस्थान में बीजेपी हारी है, 3rd और 4th जगह पर वो आए हैं, हिमाचल में आ रहे हैं, कर्नाटक में आ रहे हैं, तो हमारा ध्येय यही है कि जिस प्रकार किसानों का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके वो तीनों कानून वापस लेने पड़े, इसी प्रकार का प्रहार जो गरीबों के जेब पर कर रही है बीजेपी की सरकार, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, व्यवसायों को लेकर, सब लोग पीड़ित हैं। आज हम सबको मिलकर ऑल इंडिया लेवल पर और राजस्थान लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और जो हम लोगों का आने वाले समय में जो वर्किंग है वो इसी प्रकार की होनी चाहिए कि हम सब मिलकर भाजपा के जो कुकर्म हैं वो जनता के सामने लेकर जाएं। और ये वोट और गिनती और आंकड़े आप लोगों को मजा आता लिखने में, इसलिए आप लिखते हो, लेकिन हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई गुट या कोई सब गुट या कोई 3, 6, 8, 10 के आंकड़े बार बार आप लोग निकालते रहते हैं। पूरी पार्टी ने, पूरे नेतृत्व ने मिलकर ये निर्णय लिए हैं और मुझे खुशी है कि एक नया स्वरूप सरकार के जो मंत्रिपरिषद है उसको मिला है। आने वाले समय में और भी, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस के जो प्रमुख हमारे कार्यकर्ता हैं, जमीनी वर्कर्स हैं, उनको प्रोमिनेंस मिले, उनकी भागीदारी बढ़े, अभी निगम हैं, बोर्ड हैं, कॉरपोरेशंस हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरीज बनेंगे, एडवाइजर्स टू CM अपॉइंट किए जाएंगे, तो सब लोगों को साथ लेकर, हर वर्ग को, अब महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है सरकार के अंदर, वो भी एक बहुत प्रशंसनीय बात है। जैसे प्रियंका जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 40% टिकट महिलाओं को देने जा रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतना बड़ा ऐलान करना अपने आप में एक ऐतिहासिक है। उसी का रिफ्लेक्शन हम राजस्थान में देखा है कि यहाँ महिलाओं को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, नौजवानों को मौका दिया है, अनुभवी लोगों को मौका दिया है और क्षेत्रीय सामाजिक संतुलन मिलाकर पूरे प्रदेश में, समझता हूँ, एक नए स्वरूप से सरकार का जो ढांचा तैयार किया गया है उससे आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा मिलेगा और राजस्थान से प्रेरणा लेकर अनेक राज्यों में भी हम इस प्रकार की जो तब्दीलियाँ करेंगे उससे मैं समझता हूँ हम लोगों को फायदा मिलेगा। देखिए, मैंने हमेशा बात मुद्दों की करी, ऑन प्रिंसिपल आई हैव सेड कि वी हैव टू इंक्रीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC ST OBC SBC माइनॉरिटीज, वुमेन, यंग पीपल, और इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, इसमें एक कलेक्टिव लीडरशिप झलकनी चाहिए। जिन लोगों ने हमको साथ दिया, जिन लोगों ने हमारे को वोट दिया, जिनके दम पर हम सरकार में आए, उन मतदाताओं को, उन वर्कर्स को हम लोग
संबल दें, ताकत दें, भागीदारी दें, इस बात को लेकर शुरू से हम लोग अपनी बात को रखा था। और मुझे खुशी है कि जो कमेटी बनाई थी सोनिया गांधी जी ने, जो मुद्दे हम लोगों ने रेज किए थे, उनका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई जो हो रही है उसका पहला परिणाम आपने कल देखा है, और आने वाले समय में और भी मैं समझता हूँ सकारात्मक कदम उठाएगी पार्टी, क्योंकि सबका जो ऑब्जेक्टिव है, सबका जो इंटेंशन है वो यही है कि हमारी सरकार 2023 में रिपीट हो। जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमेशा सरकार कांग्रेस की बनती है, फिर बीजेपी की बन जाती है, फिर कांग्रेस की बनती है, फिर बीजेपी बन जाती है। इस परिपाटी को तोड़ने के लिए हम लोगों को एक नई सोच, एक नई पहल, एक नई दृष्टिकोण के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस दोबारा जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ लोग समझते हैं कि हर 5 साल में बदलाव होगा, उस परिपाटी को, उस मानसिकता को बदलने के लिए हम लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है, और वही काम हम लोग कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, संगठन भी कर रहा है। मैंने ये बात दिल्ली में कही थी, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिला था, सोनिया जी से लंबी चर्चा मेरी हुई, अनेक मुद्दों पर बात करी, और अंत में जो भी कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20 साल में मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैंने पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा से निभाया है, और आने वाले समय में भी जो मुझे पार्टी निर्देश देगी, जहां पर मुझे काम देगी या मेरी उपयोगिता समझेगी, मैं वहां पर जाकर काम करूंगा, पूरी ताकत से काम करूंगा। राजस्थान का फिर क्या होगा? राजस्थान में 2023 में सरकार दोबारा हम बनाएंगे कांग्रेस। पायलट साहब, बीजेपी ने एक सवाल उठाया कि आपकी कैबिनेट में टोटल 3 मंत्री हैं, जबकि यूपी में आप 40% भागीदारी की बात कर रहे हैं, या 20% भागीदारी है? देखो, एक होता है टिकट देना भवानी जी, एक होता है कैबिनेट में जब हमारे 30 ही जगह हो सकती हैं, उसमें इतना बड़ा राज्य है, 33 जिले हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, फिर भी अगर जहां पहले थे उससे 3 गुना हो गया ना। आप दूसरा देखिए, पहले 1 था, 3 गुना कर दिया हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन, और ये मैं समझता कहीं ना कहीं इसमें प्रियंका गांधी जी की भी छाप है, क्योंकि वो हमेशा महिलाओं के लिए उनका नेतृत्व आगे बढ़ाने का एक नारा देकर आई है लखनऊ में, तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखा। और महिलाओं को हमेशा मैं समझता हूँ हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे टिकट वितरण हो, चाहे कैबिनेट हो, या बाकी अभी अपॉइंटमेंट्स और भी होने हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, उस पर भी महिलाओं को आगे और मौका मिलना चाहिए। बात मेरी अकेली की नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, हम लोगों ने सिद्धांत को लेके एक प्रिंसिपल पे एक इशू उठाया था, उसका निराकरण, उसमें आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, एक संतोष की बात है। और जैसे मैंने कहा, पूरे जो 30 मंत्री बन सकते हैं, 30 मंत्री बनाए हैं, लेकिन कोशिश यही की गई है कि इसमें किसी को छोड़ा ना जाए, हर तबका, हर समाज और हर क्षेत्रीय भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए ये इसका निर्माण किया गया है। जैसे मैंने कहा, इसमें SC ST महिला, इनका जो रिप्रेजेंटेशन पहले था वो कई गुना बढ़ा है, ये अपने आप में